झुमरी तलैया स्थित टीम आर्यन हॉस्पिटल में सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ईएसआईसी कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज करने के लिए सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर बरही के विधायक उमा शंकर अकेला व चतरा लोकसभा क्षेत्र के राजद के प्रत्याशी सुभाष यादव व आर्यन हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर प्रवीण कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य में निबंधित सभी मजदूरों एवं कर्मचारियों का मुफ्त इलाज करवाने के लिए राज्य सरकार आगे आई है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में निबंधित कर्मचारियों को मुफ्त इलाज के अलावा रहना खाना भी मुफ्त होगा। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू, समाज सेवी अरशद खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंदवारा से धीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या उद्योग अनिबंधित है, उसके लिए उनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हम देते हैं, साइकिल देते हैं, हथियार ये 15,000 रुपया आते हैं। कोई अगर किसी कारण दुर्घटना हो गया तो उसके हाथ ये 50,000 रुपये आते हैं। उसके बाद डेथ कर गया किसी कारण से, 10,000 हम उसको देते हैं दाह संस्कार के लिए, 25,000 आते हैं ब्रह्म भोज भोज करने के लिए, 1,00,000 रुपया कंपनसेशन देते हैं। और बॉम्बे दिल्ली अदर स्टेट में घटनाएं घट गई तो जिस तरह का घटना घटी है 5,00,000 रुपया से 4,00,000 रुपये तक हम कंपनसेशन देते हैं, क्योंकि पहले की व्यवस्था प्रगति सरकार में नहीं थी और किसी को मिलता भी नहीं था, जानकारी भी नहीं था कि लेबर विभाग में क्या क्या मिलता है। और बहुत लोग जानकारी के अभाव में कितने लोग मर गए। लेकिन अब ये राज्य सरकार गरीबों की सरकार है, गरीब के हित में, मजदूर के हित में बेहतर काम करेगी और इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार ने का लक्ष्य है कि अन्न के भूखे पानी के प्यासे किसी को मरने नहीं देगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।